हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे पंगा मूवी का। तो पंगा मूवी के बारे में इतना ही बोलूंगा कि पंगा मूवी देखने के बाद महंगा पड़ गया। ये मुझे महंगा नहीं पड़ा, ये महंगा पड़ेगा स्ट्रीट डांसर मूवी को। अगर स्ट्रीट डांसर मूवी ने इसका हाफ भी कलेक्शन की ना, तो समझ लेना स्ट्रीट डांसर मूवी हिट हो गई, जो कि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि स्ट्रीट डांसर मूवी सिर्फ वही लोग जाके देखेंगे जिन लोगों ने इसकी प्री बुकिंग की है, वरना ये मूवी कोई जाके देखने वाला है नहीं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि पंगा मूवी को सब लोग जाके देखें, क्योंकि आजकल बॉलीवुड में ना फैमिली ओरिएंटेड फिल्में बनती नहीं, लेकिन जब भी कोई फैमिली ओरिएंटेड फिल्में बनती है तो हमारा काम है उस चीज को सपोर्ट करना। और ये सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म इस वजह से मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इस मूवी में जो बताया गया बहुत अच्छा है, कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन जिस तरीके से डायरेक्शन किया गया ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगा। क्योंकि एक आम सी कहानी है, मगर जिस तरीके से एक्टर्स ने परफॉर्मेंस किया और जिस तरीके से लिखा गया, चाहे वो डायलॉग हो चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, वो सब कुछ आपको रियल लगता है। और इसमें जो कुछ ऐसे सीन्स है जिससे आप खुद को रिलेट कर पाओगे, स्पेशली जस्सी गिल के जितने भी सीन्स है, वो सीन से मैं खुद को भी रिलेट कर पा रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई रियल फैमिली को देख रहा हूं मैं पर्दे पर। मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा था कि मैं कंगना रनौत को या यज्ञा भासिन को देख रहा था या जस्सी गिल को या नीना गुप्ता जी को देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था वो एक फैमिली है, रियल फैमिली जिसको मैं देख रहा था, वो किस तरीके से जिंदगी में उतार चढ़ाव के जो सिचुएशन होती है उससे गुजर रहे, वो सब चीजें फील होती है पर्दे पर जब आप इन लोगों को देखते हो ना, और आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे जब वो लोग कुछ बोलते तो आपको हंसी आती है, तो आप भी उनके साथ उस पल को जीने लगते हो जब आप ये फिल्म को देखते हो। तो इस फिल्म के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा अच्छा बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। खासकर ऐसी फिल्में जो आपको मोटिवेट करे कुछ कर दिखाने के लिए, वो बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली माँ और बेटे के जो बीच का रिलेशन होता है, जो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, जो प्यार होता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है। और मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में वो चीज बहुत जबरदस्त तरीके से बताई गई। हालांकि हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन भी बहुत अच्छा बताया, तो कुल मिला कि ये बहुत ही स्वीट और सिंपल सी मूवी है जो बहुत ही दिल से बनाई गई, और ये लोगों के दिल तक जरूर पहुंचेगी। वो पहुंचेगी तब जब लोग इसकी मोर पब्लिसिटी करेंगे, क्योंकि देखिए इस हफ्ते जो रिलीज हुई स्ट्रीट डांसर, उसकी ज्यादा ही ब्रांडिंग की गई है और लोगों को लगता है स्ट्रीट डांसर बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इसका रिव्यू नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो वन ऑफ दी वर्स्ट मूवी होगी 2020 की। और उस मूवी को देखने के लिए बिल्कुल मत जाना। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पंगा मूवी को जाकर जरूर देखना, और ये मूवी आप फैमिली के साथ जाकर देखना, क्योंकि ये मूवी फैमिली ओरिएंटेड मूवी है और बॉलीवुड में आजकल बहुत कम मूवी बनती है जो फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं। तो ये मूवी आप लोग जरूर जाकर देखना। मैं ज्यादा तो कुछ बोलूंगा नहीं, आप परफॉर्मेंस की बात करो तो मुझे पर्सनली यहाँ पर किसी का भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं हो सकता जो मुझे खराब लगा। सभी किरदारों ने अपना काम बहुत अच्छा किया, स्पेशली मुझे जस्सी गिल का रोल बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन कंगना रनौत और यज्ञा भासिन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक फैबुलस एक्ट्रेस है कंगना रनौत, और बॉलीवुड में बहुत कम एक्ट्रेस है जिसकी एक्टिंग देखने के लिए लोग जाते हैं, जैसे कि दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, आलिया भट्ट और कंगना रनौत। ये चार ऐसी एक्ट्रेस है फिलहाल जिसकी एक्टिंग देखने लोग जाते हैं, बाकी जितनी भी एक्ट्रेस है उनकी तो बॉडी देखने या उन लोगों को देखने जाते हैं, मगर यहाँ पर स्पेशली सिर्फ इनकी एक्टिंग देखी जाती है। और कंगना रनौत एक्टिंग के मामले में क्वीन ऑफ बॉलीवुड है, नो डाउट। और हाँ, यज्ञा भासिन जो यहाँ पर चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, यज्ञा भासिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इसी तरीके का होगा। बहुत ही लवेबल कैरेक्टर लगता है आपको इस फिल्म में, और उसको देखकर आपको बहुत खुशी होगी, और वो ऐसा बच्चा जो हर माँ चाहेगी कि हमारा बच्चा भी इस तरीके का हो। तो मैं इस मूवी के बारे में जितना बोलूंगा वो कम है, बस मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि अगर आप लोग ने इस मूवी की टिकट बुक नहीं की तो इस मूवी की टिकट जरूर बुक करो। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। तिल दिन दुआ में याद रखना, मैं हूँ आशीष शेख।